And heavy rains have spread havoc in several parts of Himachal Pradesh and Uttarakhand. A landslide in Shimla this morning led to the collapse of a temple where around 5 people have died and several are still fear trapped. A cloudburst in Solan has claimed the lives of 7 people. The Chief Minister of Himachal Pradesh has said that close to 50 people have died in rain-related mishaps in just the last 24 hours. Meanwhile, heavy rainfall in Uttarakhand has led to a flood-like situation as the river Nandakini is flowing above the danger mark. Several roads are still blocked while a red alert has been sounded by the Met Department. Home Minister Amit Shah has assured all aid to both the hill states. Now, this is a mega CNN News 18 exclusive, ladies and gentlemen. Joining us on the broadcast is Himachal Pradesh Chief Minister Sukhvinder Singh Sukhu. Sukhu Saab, thank you for joining us on CNN News 18. Mera pehla sawal, kya situation hai abhi? Kaafi landslides hua hai. Pradesh ki 1200 ke kareeb sadke avrudh ho chuki hai. और मेरा यह मानना है कि इस बार जो हमारी लोगों की जाने हैं वो एक दिन में इतनी बड़ी संख्या में कभी इतनी ज़्यादा मौतें नहीं हुई थी. 50 के करीब मौतों की अभी पुष्टि हुई है और कुछ और जानों जाने की संभावना है. जी, ये काफ़ी अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है हिमाचल प्रदेश में. सुकू साहब, रिलीफ ऑपरेशंस पे क्या अपडेट है? हम मिलिट्री की मदद ले रहे हैं, ITBP की मदद ले रहे हैं, SDRF की मदद ले रहे हैं, NDRF की मदद ले रहे हैं और लोकल लोग जो है उनकी मदद ले रहे हैं, पर बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही. और पिछले 24 घंटों से तो लगातार बारिश चल रही है जिसके कारण लैंडस्लाइड्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और लैंडस्लाइड्स के साथ जो हमारे ट्री है अपरूट होकर नीचे सड़कों में आते हैं वो भारी नुकसान पहुँचाते हैं. तो मेरा ये मानना है कि पिछली बार की बारिश में संपत्ति और संपदा को ज़्यादा नुकसान हुआ था, इस बार की बारिश में हमारे जीवन का ज़्यादा नुकसान होता नज़र आ रहा है. सुकू साहब, आगे आने वाले दिनों में भी रेड अलर्ट है हिमाचल प्रदेश में, लोकल्स के लिए क्या अरेंजमेंट्स हैं? तो 2 दिन तो हमें रोड्स क्लियर करने में ही लगेंगे. अभी हमने टेम्प्रेरी रोड्स तो खोल दिए हैं लेकिन जब बारिश होती है और किसी समय बारिश का दबाव ज़्यादा तेज होता है उस समय लैंडस्लाइड होने की संभावना ज़्यादा रहती है. तो मैं सभी पर्यटकों से ये मांग करना चाहता हूँ कि अगले 2 दिन तक हिमाचल आने का जो कार्यक्रम है वो भी स्थगित कर दीजिए. आप अगर जा सकते हैं हिमाचल में तो वो कांगड़ा वैली और धर्मशाला की तरफ आप जा सकते. सुकू साहब, आप दिल्ली भी आए थे कुछ दिन पहले, आपने मुलाकात भी करी थी सरकार से, आपने क्या सपोर्ट मांगा है? सरकार की केंद्रीय टीम की रिपोर्ट को जल्दी सबमिट करवा के हमें इंटरिम रिलीफ की पहली किस्त जल्दी से जल्दी प्रदान की जाए. हम उस किस्त का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि रिस्टोरेशन वर्क के लिए तो लंबा समय लगेगा. अभी तो हमारे पास जो आज के दिन में जो हमारा कार्य है वो रेस्क्यू का है. दबे हुए 15-20 लोग हैं शिव टेम्पल में, उनको निकालने का कार्य है और मुझे लगता है कि 15-20 जो लोग जाने फंसी है जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है उनके उम्मीद भी कम होती जा रही है. जी सुकू साहब, मेरा आखिरी सवाल, कौन कौन से वो एरियाज हैं जो सबसे ज्यादा अफेक्टेड हैं? शिमला, मंडी, हमीरपुर, हमारा बिलासपुर, ये डिस्ट्रिक्ट अफेक्टिव है. Right, so that is the situation from Ground Zero. Sukhvinder Singh Sukhu, thank you for joining us on CNN News 18 and giving us the latest update. So it's a very grim situation in Himachal Pradesh, as was pointed out by the Chief Minister of the state.